आपके जीवन में कहीं भी। इस समय हम पहुंचे हैं इंद्री रोड पर स्थित जैन आराधना मंदिर में, जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल तक कुछ ही देर में आप पहुंचने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहां पर उनके स्वागत के लिए यहां पर खड़े हैं। आपको बता दें कि जैन आराधना मंदिर में एक विराट सरम धर्म संगम का आयोजन जो है यहाँ पर किया गया है। एक बड़े स्तर का विराट सरम धर्म संगम यहाँ पर चल रहा है, जिसमें हजारों लोगों द्वारा यहाँ पर शिरकत की जा रही है। वहीं कई बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर जो है पहुंची हैं। और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री चरणदेव कंबोज हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं। सर, आप बताएं, सर्वधर्म संगम में आप पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप आज? देखिए, आज यहाँ आत्मनोर जैन मंदिर के अंदर एक सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा है, क्योंकि सभी धर्मों का जो एक निचोड़ है, वो निचोड़ है कि आपस में हमें मिलजुल करके रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए। कोई भी धर्म तोड़ने का काम नहीं करता, जोड़ने का काम करता है। तो आज सभी धर्मों के प्रमुख यहाँ अपने अपने धर्म का ये संदेश देने के लिए है कि हम सब एक हैं, वो सब इकट्ठे होकर के दुनिया को श्रेष्ठ बनाएंगे, दुनिया को आगे बढ़ाएंगे। सब जो है ना, एक ही संदेश देने के लिए आए हैं कि सबको मिलजुल करके आगे बढ़ना चाहिए। धर्म जो है ना, जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम। सर, संक्षिप्त में आप क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? जी, आज ये सर्वधर्म सम्मेलन जो आज हमारे माननीय पूजनीय ऋषिमुनि जी महाराज ने अपने गुरु जी की याद में आज ये सर्वधर्म सम्मेलन यहाँ रखा है। सभी धर्मों के संत बलूचिस्तान से, भूटान से और हमारे हिंदुस्तान से सभी बड़े बड़े संत आज यहाँ पहुँचे हैं। जैसे अभी यहाँ बताया भी जा रहा था कि कोई भी धर्म हो, सनातन धर्म हो, अपना ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, सबका एक ही रास्ता है कि इस समाज सभी धर्मों का, सभी समाज का कल्याण हो और सब हम मिलकर अपने इस भारत माता की एकता के लिए काम करें। सर, आज के बारे में कुछ प्रश्न दे। समाज में सद्भाव बढ़े, आपसी भाईचारा बढ़े, प्यार बढ़े, इसी लक्ष्य के साथ आज यहाँ पर जो सभी धर्मों के गुरु आए हैं और राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी, सामाजिक क्षेत्र के लोग भी आए, तो इस लक्ष्य के साथ आज का ये कार्यक्रम है और मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं करनाल केंद्रीय रोड पर स्थित जैन आराधना मंदिर में, जहां पर आज सर्वधर्म संगम की एक प्रार्थना सभा का यहां पर आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से कई बड़ी हस्तियां यहां पर पहुंची हैं और तमाम धर्मों से जो लोग हैं वो यहां पर एक पहुंचे और एक अच्छा संदेश जो है यहां पर दिया जा रहा है। कमल मिडा, करनाल की न्यूज, करनाल। धर्म की भगवान की भारत। और हमारे भाई इंद्रेश कुमार जी अलग अलग धर्मों के पेट हैं, तो ज्यादा खाली पेट भी वो रहना बहुत मुश्किल की बात। संक्षेप में कि आज इस जैन मंदिर के प्रांगण में जो असल जरूरत इसी की है और हमें इस पर अपने अपने इस पैगाम को आम करने की जरूरत है। आज हम सबको एक रहना है। सभी धर्म गुरुओं ने सभी एक ही बात कही है, क्योंकि सारे ग्रंथ भी यही बात सिखाते हैं। धर्म जिस तरह से कहा कि जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, हमें अमल करने वाली जिंदगी। जैसे स्वामी कि हम जो धर्मांतरण करते हैं, ये हम खुदा को चैलेंज करते हैं। जहां खुदा ने जिसको पैदा करके भेजा, ये उसकी मर्जी है, ये आपकी चॉइस से पैदा नहीं हुआ, न वो आपकी चॉइस से उसने वहां जन्म लिया है। तो जिस धर्म में पैदा हुआ है, जिस धर्म देश में पैदा हुआ है, ये उसका है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे इस देश में पूर्वज भी यही कहे। हम आज होली का दिन है और इस पवित्र अवसर पर जो जैन संस्कार मंदिर जो है, इसमें वाचनाचार्य
श्री मनोहर मुनि जी महाराज का जो स्मारक का लोकार्पण हुआ है और एक मल्टीपर्पज हॉल उसका भी लोकार्पण हुआ है। इस अवसर पर मैं संपूर्ण समाज को, विशेष तौर पर जैन समाज को अपनी ओर से शुभकामना देता हूं और समाज में संस्कार देने का काम जो जैन मुनि आचार्य करते हैं इससे समाज को एक दिशा मिलती है, मैं उनका आभार भी प्रकट करता हूं। वैशाली में थे तो वैशाली के लोग ने गए, गांव वालों सब वैशाली वासी, हमें आप धर्म उपदेश देंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे धर्म गुरु हमारे पास आते हैं, धर्म उपदेश देते हैं, वो बहुत ही अच्छा है, वही हमें भगवान का मार्ग पर सोचना और आगे बढ़ाने के लिए पीयूष मुनि जी के नेतृत्व में 100-200 लोगों की टीम, श्री हुड्डा जी थे और उस टाइम के चीफ जस्टिस श्री विजेंद्र जैन जी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। मैं सभा की ओर से माननीय हुड्डा जी का पहुंचने पर हार्दिक स्वागत एवं सत्कार एवं अभिनंदन करता हूं। जो मन की शांति है, मोक्ष है, उसे प्राप्त होगी। इस जगह पर सवेरे से बहुत सारे बातें सुने, हम मेघालय से आते हैं। एक छोटी सी बात, आने के बाद जब तुमको अच्छा लगे, तुम्हारे मन को कथा की, लोगों ने बहुत आदर किया और जब वहां से तो शिष्यों ने कहा इनको भी आशीर्वाद दीजिए, उन्होंने कहा ये बसे रहे। कर्मचारियों ने अपने मालिक के लिए मांगा बड़ा कपड़ा, अच्छा कपड़ा, सच क्या उसको दुकान दीजिए, उसकी मदद करिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है। यमरा अपने अड़ोस पड़ोस में देखें, कोई ऐसा घर तो नहीं जो रात को भूखा सोता है, हम उसको सारी चीजें हैं। इन सब के मैं को एक बार हम में बदल दे तो भारत महान होगा, विश्व में शांति का मार्ग हो। विराट धर्म संगम इसी बात यहाँ के जैन धर्माचार्य आदरणीय पीयूष महाराज जी, पीयूष मुनि महाराज जी, इस क्षेत्र के सांसद श्रीमान अश्विनी कुमार चोपड़ा जी, प्रभु के आशीर्वाद से ये कैसा सौर मंडल है जिसमें सिर्फ सूरज। हरियाणा मनोहर लाल खट्टर इंद्री रोड पर स्थित श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर में जो है पहुंचे थे, कार्यक्रम में जो शिरकत यहां पर की थी, उसके बाद जो है देखते हैं कि जो भवन का लोकार्पण है, मंदिर का लोकार्पण है, उसका भी जो आज मुख्यमंत्री द्वारा एक उद्घाटन जो है रिबन काटकर किया जाएगा। गौरतलब है कि 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री द्वारा ही जो है यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी और श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर में आज एक कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पर जहाँ पहले सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई उसके बाद जो है इस भवन का जो लोकार्पण है वो खुद मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया जाएगा। कमल मिडा, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। हम सबको रिजल्ट के बारे में तो ध्यान है कि एक प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मिला है, इससे निश्चित रूप से हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक नीति है, जो एक दिशा है और जिस प्रकार की सरकार काम कर रही है, देश भर में उसको मान्यता मिली है और जितने भी विपक्षी दल हैं उनकी सब प्रकार की आलोचनाएं, चाहे वो नोटबंदी की हो चाहे और प्रकार की हो, उनको एक करारा तमाचा लगा है। देश में एक वातावरण बना है कि केंद्र सरकार की नीतियों से लोगों को समर्थन जो मिल रहा है उससे पूरे देश में एक ये लहर चलेगी और आगे भी इसी प्रकार के परिणाम आते रहे। एक राजनेता है उमर अब्दुल्ला, जो उन्होंने टिप्पणी की कि 2019 तो सभी विपक्षी दल भूल जाएं, आगे की तैयारी करें। मेरा कहना है आगे भी वो आराम से सोएं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इस देश में जो लहर चली है वो लहर लगातार अब बहुत वर्षों तक चलेगी। कहीं ना कहीं पंजाब में आपका सही है और एसवाईएल का पानी लाने में दिक्कत नहीं आएगी?
नहीं, ये एसवाईएल के पानी का कोई सरकारों से, किसी पार्टी के सरकार बनने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना निर्णय दे दिया है कि एसवाईएल नहर जो बनेगी उसमें हरियाणा का जो पानी है उसका जो भी उसका हिस्सा है उसको मिलेगा हरियाणा को, और हरियाणा का अपना हिस्सा मिलेगा, हरियाणा का अपना एक अधिकार है। उस जल समझौते के आधार पर जो आज से बहुत साल पहले हुआ था उसके आधार पर हरियाणा में पानी निश्चित आएगा। सरकारों के हाथ में नहीं है। जब कोई चीज सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती है जिसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने देना है, वो निर्णय पहले दे चुके हैं, अब तो केवल उस निर्णय का क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन उसके बारे में एक पंजाब सरकार को उन्होंने निर्देश देना है। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी निर्णय आएगा। देखिए, हरियाणा प्रांत को नहीं करनी है, हरियाणा प्रांत तो अपने जो क्षेत्र में है वो नहर बनी हुई है, उसमें छोटी मोटी कोई मरम्मत का काम होगा तो हम करेंगे, बाकी पंजाब क्षेत्र में पंजाब सरकार का काम है तो पंजाब सरकार को ही करना है। देखिए, इस विषय में तो जो हमारे इस स्थानक से जुड़े हुए लोग हैं वो एक वार्षिक अपना कार्यक्रम उन्होंने किया है होली के अवसर के ऊपर, और सब लोगों को बुलाया है, उसके आयोजक हमारे इंद्रेश कुमार जी और जैन मुनि आचार्य पीयूष मुनि जी महाराज हैं, तो उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम किया है। और इस प्रकार के सामाजिक सद्भाव के कार्यक्रम, आपसी भाईचारे के कार्यक्रम, होली मिलन के कार्यक्रम ये लगातार होते रहने चाहिए, पहले भी होते रहे हैं, आगे भी होने चाहिए। मैंने कहा धर्म इति धारयति, धारण करने योग्य सब बातें धर्म में आती हैं, इसलिए धारण करने योग्य ये भी होता है कि हम अपने कर्म को अच्छे प्रकार से करते रहें, वही धर्म का एक स्वरूप। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन लेट होता जा रहा है, 19 तारीख को, नहीं 18 तारीख को उद्घाटन की तिथि समय निश्चित हो चुका है। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा जी उसमें आने वाले हैं, स्वयं उसमें लेने वाला हूँ। 18 मार्च को ये कार्यक्रम होगा और उद्घाटन हो जाएगा।